हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल अनन्य सिंह फाइल एयर। इन दिस वीडियो वी लर्न अबाउट द हाइपोथायरॉयडिज्म डिजीज नर्सिंग केयर प्लान। आज का हमारा टॉपिक है नर्सिंग केयर प्लान ऑन हाइपोथायरॉयडिज्म डिजीज। हम इसके अंदर डिफरेंट नर्सिंग प्रोसेस स्टेप, नर्सिंग असेसमेंट, डायग्नोसिस गोल, इंटरवेंशन, रेशनल एंड एवेल्यूशन का यूज़ करते हुए नर्सिंग केयर प्लान तैयार करेंगे। तो आइए देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान ऑन हाइपोथायरॉयडिज्म डिजीज। नर्सिंग केयर प्लान्स एंड नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर पेशेंट विद हाइपोथायरॉयडिज्म डिजीज। हाइपोथायरॉयडिज्म डिजीज के यहाँ पर जो हमारे नर्सिंग डायग्नोसिस होंगे वो फर्स्ट नंबर इम्बेलेंस न्यूट्रिशन मोर देन बॉडी रिक्वायरमेंट, नेक्स्ट डेफिशिएंट नॉलेज एंड फटीग। तो ये हमारे तीन इम्पोर्टेंट यहाँ पर नर्सिंग केयर प्लान होंगे जो हम इस डिसऑर्डर पर यहाँ तैयार करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हाइपोथायरॉयडिज्म डिजीज़ का शॉर्ट इंट्रोडक्शन। बिफोर नर्सिंग केयर प्लान से पहले हम एक हाइपोथायरॉयडिज्म डिजीज़ को यहाँ पढ़ लेते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म इज ए डिसऑर्डर इन विच द थायराइड प्रोड्यूस एंड रिलीज insufficient thyroid hormone into the bloodstream, also known as the underactive thyroid, which cause fatigue, weight gain and inability to tolerate cold temperature. Next, it occur primarily in women in 30 to 60 year old age, and if the severe hypothyroidism occur in an infant, it is called cretinism, and if it is developed in adult, it is called myxedema. Next, the most common cause of hypothyroidism in an autoimmune inflammation of the thyroid gland, Hashimoto-thyroiditis, with the resulting atrophy of glandular tissue. Next, देखते हैं sign and symptom of this disease here. First, feeling tired, fatigue, experiencing numbness and tingling hands. Having constipation, gaining weight, experience soreness throughout your body, can include muscle weakness, and you are having higher than normal body cholesterol level, and feeling depressed, being unable to tolerate the cold temperature. Next, having dry, coarse skin here. Next, experiencing a decrease sexual interest. Next, having frequent and heavy menstrual period, and seeing physical change in your face, including drooling eyelid, and as well as puffiness in the eye and face. These are the characteristics of this disorder. Next, देखते हैं nursing care plan and nursing diagnosis for patient with hypothyroidism. First, नर्सिंग केयर प्लान हो गया यहाँ पर इम्बेलेंस न्यूट्रिशन मोर देन बॉडी रिक्वायरमेंट। इसका नर्सिंग असेसमेंट देखते हैं। यार सब्जेक्टिव डाटा, डिक्रीज एपिटाइट, वीकनेस, फटिग, सेइंग बाय द पेशेंट। एयर ऑब्जेक्टिव डाटा, वेट गेन, एसएस लेबोरेटरी रिजल्ट, टीएसएस, T3 एंड T4। एयर नेक्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर दिस ईयर। इम्बेलेंस न्यूट्रिशन मोर देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू ग्रेटर इनटेक देन मेटाबॉलिक नीड। ये हमारे यहाँ पर नर्सिंग डायग्नोसिस है। देन नेक्स्ट गोल देखते हैं, टू मेंटेन न्यूट्रिशनल स्टेटस। ये हमारा गोल होगा। नेक्स्ट, टू अचीविंग गोल वी राइट द डिफरेंट इंटरवेंशन इन प्लानिंग फेज ईयर। नर्सिंग इंटरवेंशन नंबर फर्स्ट, असेस द क्लाइंट वेट रेशनल ईयर। क्लाइंट विद हाइपोथायरॉयडिज्म एक्सपीरियंस वेट गेन एंड डिफिकल्टी लॉसिंग एक्स्ट्रा वेट। नंबर सेकेंड इंटरवेंशन, असेस द क्लाइंट्स एपिटाइट। क्लाइंट विद हाइपोथायरॉयडिज्म हैव डिक्रीज एपिटाइट। नेक्स्ट, नंबर थर्ड इंटरवेंशन, प्रोवाइड ए फूड डायरी टू द क्लाइंट एयर फॉर एन इंडिविजुअलाइज न्यूट्रिशनल प्लान फॉर द क्लाइंट चेंजिंग मेटाबोलिक नीड। नेक्स्ट एयर, नंबर फोर्थ इंटरवेंशन, एजुकेट द क्लाइंट एंड फैमिली रिगार्डिंग बॉडी वेट चेंज इन hypothyroidism. Here, rational for this, teaching the client and family will make them understand the opposite relationship between appetite and weight gain in hypothyroidism. Number fifth intervention, collaborate with the
डाइटिशियन टू डिटरमाइन क्लाइंट्स कैलोरिक नीड एयर रेशनल फॉर दिस टू मेंटेन न्यूट्रिशनल इनटेक एंड अचीव ए स्टेबल वेट. नेक्स्ट नंबर सिक्स एनकरेज द क्लाइंट टू ईट सिक्स स्मॉल मील थ्रू आउट द डे हेयर रेशनल फॉर दिस. दिस विल मेक श्योर दैट द क्लाइंट हैज़ एन एडिक्वेट इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट इन द क्लाइंट विद डिक्रीज एनर्जी लेवल. नेक्स्ट प्रोवाइड असिस्टेंस एंड एनकरेजमेंट एज नीडेड ड्यूरिंग मील टाइम हेयर रेशनल फॉर दिस ड्यू टू डिक्रीज इन एनर्जी लेवल द क्लाइंट विल नीड सपोर्ट. नेक्स्ट नंबर एट इंटरवेंशन एनकरेज द इनटेक ऑफ फूड रिच इन फाइबर हेयर हाइपोथायरिज्म स्लो द एक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक कॉजिंग कॉन्स्टिपेशन. नंबर नाइन इंटरवेंशन हेयर एनकरेज द क्लाइंट टू फॉलो ए लो कोलेस्ट्रॉल लो कैलोरी लो सैचुरेटेड फैट डाइट हेयर रेशनल फॉर दिस क्लाइंट हैज़ ए स्लो मेटाबोलिज्म ही और सी रिक्वायर फ्यूअर कैलोरिक टू सपोर्ट द मेटाबोलिक नीड. आफ्टर प्रोवाइडिंग दीज इंटरवेंशन वी राइट द नर्सिंग इवेल्यूएशन ईयर न्यूट्रिशनल स्टेटस मेंटेन. तो ये था हमारा फर्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस. तो इसमें डिफरेंट फेज थी अपन नर्सिंग असेसमेंट डायग्नोसिस गोल इंटरवेंशन रेशनल एंड इवेल्यूएशन. यहाँ हमने इम्प्लीमेंटेशन फेज नहीं लिखा है मिस. इम्प्लीमेंटेशन फेज जब होगा जब आप ये एक्शन एक्टिंग करोगे मिस इंटरवेंशन को पुट ऑन द प्लान. जैसे कि असेस द वेट क्लाइंट्स बेस तो आपका इम्प्लीमेंटेशन में होगा. असेस्ड द क्लाइंट वेट मिस इंटरवेंशन मिस प्लानिंग फेज ईयर मिस हमको असेसमेंट करना है क्लाइंट वेट का. और इम्प्लीमेंटेशन में हमने असेसमेंट कर दिया है क्लाइंट का वेट चेक कर चुके हैं तो वो हमको इम्प्लीमेंटेशन फेज में लिखना है. जो भी हम इंटरवेंशन क्लाइंट को प्रोवाइड करेंगे वो इम्प्लीमेंटेशन में फेज में प्रोवाइड कराएंगे और उनको हमको लिखना है नर्सिंग केयर प्लान. तो दिस इज़ फॉर एक्टिंग फेज इन इम्प्लीमेंटेशन फेज. और यहाँ पर हम केवल इंटरवेंशन एंड रेशनल को शो करते हैं. नेक्स्ट सेकंड इंटरवेंशन देखते हैं. सेकंड डायग्नोसिस फटिग ये नर्सिंग असेसमेंट डायग्नोसिस इंटरवेंशन एंड रेशनल. सब्जेक्टिव डाटा यार पेशेंट से दैट ही इज अनेबल टू कंप्लीट हर रेगुलर एक्सरसाइज रूटीन ड्यू टू फैटिक. इधर नर्सिंग डायग्नोसिस फटिग रिलेटेड टू इम्पेयर्ड मेटाबॉलिक स्टेट यार गोल होगा टू रिड्यूस फटिग. नेक्स्ट इंटरवेंशन एंड दियर रेशनल. इंटरवेंशन नंबर फर्स्ट असेस द क्लाइंट एबिलिटी टू परफॉर्म एक्टिविटी डेली लिविंग एयर रेशनल फॉर दिस द क्लाइंट में एक्सपीरियंस फटिग विद द मिनिमल एक्सर्जन ड्यू टू द स्लो मेटाबॉलिक रेट. नेक्स्ट नंबर सेकंड इंटरवेंशन नोट डेली एनर्जी पैटर्न एयर दिस विल हेल्प द डिटरमाइनिंग द पैटर्न टाइमिंग ऑफ द एक्टिविटी. नंबर थर्ड इंटरवेंशन असेस द क्लाइंट्स एनर्जी लेवल एंड मसल स्ट्रेंथ एंड मसल टोन एयर स्लो मेटाबॉलिज्म कैन रिजल्ट इन डिक्रीज एनर्जी लेवल. नेक्स्ट नंबर फोर्थ इंटरवेंशन प्लान केयर टू अलाउ इंडिविजुअल एडुकेट रेस्ट पीरियड शेड्यूल फॉर एक्टिविटीज फॉर द पीरियड वैन द क्लाइंट हैज द मोस्ट एनर्जी एयर रेशनल फॉर दिस. दिस विल एंश्योर मैक्सिमाइज पार्टिसिपेशन. नेक्स्ट नंबर फिफ्थ इंटरवेंशन एयर प्रोवाइड स्टिमुलेशंस थ्रू कन्वर्जेशन एंड नॉन स्ट्रेसफुल एक्टिविटी एयर रेशनल फॉर दिस प्रमोट इंटरेस्ट विदाउट पुटिंग टू मच स्ट्रेस टू द क्लाइंट. नेक्स्ट नंबर सिक्स इंटरवेंशन एयर प्रमोट एन एनवायरमेंट कंडक्टिव टू रिलीव फटिग एयर रेशनल फॉर दिस ईयर द क्लाइंट विद हाइपोथायरिज्म ऑफन कंप्लेन ऑफ बिगन कोल्ड इवन इन वार्म एनवायरमेंट. एयर आफ्टर प्रोवाइडिंग दिज इंटरवेंशन वी राइट द इवेल्यूशन स्टेप एयर नाउ फटिग रिड्यूज. एंड ये था हमारा सेकेंड केयर प्लान ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म. यहाँ पर आप इसके नोट्स ले सकते हो थ्रू दिस पिक्चर. इंटरवेंशन नंबर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स. नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नर्सिंग केयर प्लान डेफिशिएंट नॉलेज एयर नर्सिंग असेसमेंट एयर.
ये थर्ड नर्सिंग केयर प्लान का देखते हैं। नर्सिंग असेसमेंट सब्जेक्टिव डाटा यार एक्सप्रेस नीड फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट द डिजीज एंड इट्स मैनेजमेंट यार ऑब्जेक्टिव डाटा फॉर दिस ईयर लुकिंग एनजीएस एसोसिएटेड विद द डिजीज। नेक्स्ट इंटरवेंशन नर्सिंग डायग्नोसिस ईयर डेफिशिएंट नॉलेज मे बी रिलेटेड टू लैक ऑफ एक्सपोजर टू द हाइपोथायरॉयडिज्म ईयर। गोल टू इम्प्रूव द नॉलेज लेवल ईयर। नेक्स्ट इंटरवेंशन एंड द रेशनल इंटरवेंशन नंबर फर्स्ट असेस द क्लाइंट्स नॉलेज ऑफ द हाइपोथायरॉयडिज्म एंड थायरॉयड हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी रेशनल फॉर दिस क्लाइंट। टीचिंग शुड बिगिन विद द करंट नॉलेज अबाउट द डिजीज एंड इट्स मैनेजमेंट। नेक्स्ट नंबर सेकेंड इंटरवेंशन प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द हाइपोथायरॉयडिज्म। रिकॉलिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन इज नीडेड टू फैसिलिटेट लर्निंग यूजिंग रिटन इन्फॉर्मेशन रिइंफोर्सेस वर्बल प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट एजुकेट द क्लाइंट एंड फैमिली रिगार्डिंग द थायरॉयड हार्मोन एयर लिवोथायरोक्सिन सोडियम सिंथायरॉयड इज ए मैन मेड थायरॉयड हार्मोन दैट इज यूज टू ट्रीट हाइपोथायरॉयडिज्म। नेक्स्ट एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ रेस्ट पीरियड एयर रीजनल फॉर दिस अवॉइड अंडियो फटिग एज द यूथायरॉयड स्टेज इज अचीव्ड एयर द एक्टिविटी लेवल विल बी इवेंटुअली इंक्रीज। नेक्स्ट नंबर फिफ्थ इंटरवेंशन एनकरेज द क्लाइंट टू फॉलो अपॉइंटमेंट फॉर ब्लड वर्क वर्कअप्स ईयर T3 T4 एंड TSS लेवल ईयर। दिस लेवल सेल्फ डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ द फार्मेकोथेरेपी। नेक्स्ट नंबर सिक्स इंटरवेंशन ईयर डिस्क्राइब द साइन एंड सिम्टम ऑफ ए ओवर एंड अंडर डोज ऑफ द मेडिकेशन ईयर रेशनल फॉर दिस। दिस विल सर्व एज ए चेक फॉर द क्लाइंट टू डिटरमाइन इफ द थेरेपेटिक लेवल आर मेट। नंबर सेवन इंटरवेंशन ईयर एनकरेज द क्लाइंट टू हैव मेडिकल आइडेंटिफिकेशन अबाउट हार्मोन थेरेपी एंड to inform all the healthcare provider. Rational for this levothyroxine is the highly protein bound in circulation. This drug characteristics contribute to many drug interactions. The client need to notify all healthcare provider about taking this drugs. After providing these interventions we write a evaluation that the now patient having sufficient knowledge about the disease. So ye tha hamara third nursing care plan. थर्ड नर्सिंग केयर प्लान के इंटरवेंशन नंबर फर्स्ट ईयर देन सेकेंड इंटरवेंशन थर्ड इंटरवेंशन फोर्थ फिफ्थ इंटरवेंशन सिक्स्थ इंटरवेंशन ईयर सेवन्थ इंटरवेंशन और ये एवेल्यूशन। तो फ्रेंड्स ये हमारे हाइपोथायरॉयडिज्म का नर्सिंग केयर प्लान यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो कैसा लगा इसके लिए अपने लाइक्स कमेंट जरूर भेजिएगा एंड शेयर दिस वीडियो नर्सिंग केयर प्लान ऑन हाइपोथायरॉयडिज्म विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल आनंद नर्सिंग फेल एयर प्रिपरेशन फॉर नर्सिंग कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन एंड प्रेस बेल आइकन ऑल्सो। थैंक यू।